आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की जेड स्कीम में निम्न में से कौन शामिल होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की जेड स्कीम के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ लिख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण, और यहाँ बात हो रही है प्रकाश संश्लेषण की जेड स्कीम, तो लिख लेते हैं यहाँ पर जेड स्कीम के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें कौन कौन जो है शामिल होता है ये हमें बताना है। तो यदि हम प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण जो है यह दो चरणों में संपन्न होने वाली अभिक्रिया होती है। पहला जो चरण है इसका वह होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, तो लिख लेते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया। अब प्रकाशिक अभिक्रिया से ही संबंधित होता होती है यह जेड स्कीम। तो प्रकाशिक अभिक्रिया जो है इसे प्रकाश फास्फेटीकरण भी कहा जाता है, तो लिख लेते हैं इसका एक अन्य नाम, इसे प्रकाश फास्फेटीकरण या फॉस्फोरिलीकरण भी कहा जाता है। तो हम लिख लेंगे प्रकाश फॉस्फेटीकरण या फास्फेटीकरण। अब प्रकाश फास्फेटीकरण जो है यह दो प्रकार से संपन्न होता है, या प्रकाशिक अभिक्रिया जो है यह दो प्रकार से संपन्न होती है। एक तो होती है चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण, तो लिख लेते हैं चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण, तो यहाँ लिखेंगे चक्रीय प्रकाश फॉस्फेटीकरण या फॉस्फोरिलीकरण, तो लिख लेते हैं फॉस्फेटीकरण। और दूसरा जो है यह होता है अचक्रीय प्रकाश फॉस्फेटीकरण, तो लिख लेते हैं अचक्रीय प्रकाश फॉस्फेटीकरण, तो लिख लेते हैं यहाँ फॉस्फेटीकरण। अब चक्रीय प्रकाश फॉस्फेटीकरण जो है इसके अंदर केवल और केवल एक जो प्रकाश तंत्र है यह सहयोग करता है, जो कि होता है पीएस फर्स्ट। और जबकि अचक्रीय प्रकाश फॉस्फेटीकरण जो है इसके अंदर पीएस फर्स्ट अर्थात प्रकाश तंत्र पहला और प्रकाश तंत्र दूसरा जो है ये दोनों ही सहयोग करते हैं, और इनके इलेक्ट्रॉन वाहक जो होते हैं, इनका जो इलेक्ट्रॉन वाहक तंत्र जो है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है यह भी सहयोग करता है। तो इसमें क्या होते हैं पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड जो है ये दोनों ही सहयोग करते हैं, और इनके जो इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं, तो लिख लेंगे पीएस वन, पीएस सेकंड और इलेक्ट्रॉन वाहक, तो लिख लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वाहक जो है ये भी सहयोग करते हैं। तो चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण में पीएस फर्स्ट और इसके इलेक्ट्रॉन वाहक जो होते हैं, इसका जो इलेक्ट्रॉन वाहक तंत्र जो है वह भी सहयोग करता है, तो लिख लेते हैं और पीएस फर्स्ट और इलेक्ट्रॉन वाहक, तो लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वाहक जो है ये क्या करते हैं, ये सहयोग करते हैं चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण में। तो चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण में केवल और केवल एटीपी का निर्माण होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पर केवल स्वांगीकरण शक्ति का निर्माण होता है, जबकि अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण जो है इसमें अब जो स्वांगीकरण शक्ति है इसका तो निर्माण होता ही होता है, साथ में इसमें जो अपचायक शक्ति है उसका भी निर्माण होता है, जिसे NADPH2 या फिर NADPH+H+ लिखा जाता है। तो अपचायक शक्ति का निर्माण जो है अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण में होता है, और अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण को ही जेड स्कीम के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर पीएस फर्स्ट, पीएस सेकंड और इलेक्ट्रॉन वाहक जो है ये सहयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है पीएस फर्स्ट, तो हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण में पीएस फर्स्ट जो है यह शामिल है। ऑप्शन बी दिया गया है पीएस सेकंड, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, इसमें पीएस सेकंड या फिर प्रकाश तंत्र दूसरा जो है यह भी सहयोग करता है। ऑप्शन सी दिया गया है इलेक्ट्रॉन वाहक, तो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड की अभिक्रिया केंद्रों से उत्सर्जित उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन जो है इन्हें इलेक्ट्रॉन ग्राहियों द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर समझें तो ये होते हैं पीएस सेकंड का प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही जो है यह होता है प्योफाइटिन, और इसके बाद जो है प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन। इसी प्रकार से पीएस फर्स्ट का जो प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही है आयरन सल्फर प्रोटीन फेरिडोक्सिन, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन वाहक की तरह कार्य करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी बिल्कुल सही है, तीनों ही ऑप्शन हमारे ए बी सी और सही है। तो ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त सभी, तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा।
क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन ए बी और सी को समाहित कर लिया गया है, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।